यदि किसी पार्टिकल को यदि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते थे तो उसके इक्वेशन हमने देखे, इनिशियल वेलोसिटी यू थीटा, ये वाई और ये एक्स, ये ओरिजिन, ओरिजिन वाई इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। तो यदि हमसे कोई ये कहता है किसी एग्जाम्पल में कि इफ वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20 देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा हमारे सामने इन्हें कैसे सॉल्व करके कंपेयर करके, कंपेयर कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमारे पास जो गिवन है y इक्वल्स टू वन एक्स माइनस वन बाई 20 एक्स स्क्वायर, जबकि हम फॉर्मूला जो जानते हैं स्टैंडर्ड y इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो जब आप ये सॉल्व करने लगते हैं तो एक तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं और एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिख लेते हैं और अब कंपेयर करते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक्स के कोफिशियंट देखिए दोनों में और कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेरिजन आप देखेंगे वन आ जाएगा टेन थीटा के बराबर, इससे थीटा आपको पता चल गया 45 डिग्री, और दूसरा आ जाएगा 1/20 आ जाएगा जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45। ये कॉस स्क्वायर 45 टू से चला गया, यू स्क्वायर हो गया 200, यू का वैल्यू हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो एक पार्ट तो ये है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कंपेयर करके आप बता सकते हैं क्या होने वाला है यू का वैल्यू। अब इसके बाद यदि हाइट पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, रेंज पूछे तो फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, यू और थीटा पता है। फिर चेंज करो सर, एक मिनट। अब यहां चेक करो, यदि कोई ये पूछ दे कि
एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पर, और यहां 40 मीटर के डिस्टेंस पे एक गोल पोस्ट है, जिस गोल पोस्ट की ऊंचाई है मान लो 1.5 मीटर। ये जो फुटबॉल है ये डायरेक्ट गोल पोस्ट के भीतर जाएगा या नहीं, ये हमें पता करना है। तो डायरेक्ट गोल पोस्ट के भीतर जाएगा या नहीं ये पता करना है, इसके लिए रास्ता क्या होना चाहिए कि हम 40 मीटर पे बॉल की हाइट को पता कर लें। यदि बॉल की हाइट y 1.5 से कम है तो बॉल गोल पोस्ट के भीतर जाएगा। यदि y निगेटिव है, इसका मतलब बॉल पहले कहीं टक्कर मार चुका होगा ग्राउंड को, और यदि पॉजिटिव 1.5 से ज्यादा आता है तो बॉल ऊपर से गुजर गया होगा। सर ठीक है, पहले रेंज भी चेक करनी पड़ेगी केवल रेंज चेक करने से क्या काम चल जाएगा? ना वैसे, मतलब पहले वो करनी तो पड़ेगी मत काफी। चेक करो, चेक ही मत करो, सीधे y पता कर लो। y यदि निकालते हो तो तुम्हें पता तो चल ही जाएगा ना, सोच के देखो ना। रेंज में आप 2 बार मेहनत करोगे, और y हम क्या जानते हैं कि यहाँ का y हम देखना चाहते हैं, जिसके लिए x कितना है 40 मीटर, और y का फॉर्मूला हम जानते हैं y tan θ x - ½ g x² / u² cos² θ। अब यदि मुझे सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 40 मीटर, यू कितना है 20 और थीटा कितना है 30 डिग्री। पुट अप करो वाई इक्वल्स टू 10 30 इंटू एक्स माइनस, ये कैलकुलेशन में अपना ना 30 थोड़ा ज्यादा मेहनत करवा देगा, तो 30 के बदले मैं 37 दे देता हूँ, जिससे कैलकुलेशन में वो 3/5 4/5 टाइप का आ जाए कुछ। और आगे हाफ जी के बदले 10, एक्स स्क्वायर मतलब 40 × 40, यू स्क्वायर मीन्स 20 × 20, कॉस स्क्वायर 37, 16/25। सॉल्व करके देखिए, ये 10 37 कितना हो गया, 3/4 × 40 माइनस, यहां देखिए 0 चला गया, 22 जा 40 चला गया, ऊपर दिख रहा है ये 2 20, 20 × 25/16, ये 30 − 125/4, 30 माइनस, अच्छा ये 120 − 125/4 −5/4। इसका मतलब है कि बॉल ऐसे कहीं गिर गया है जिससे कि यहाँ वो निगेटिव में आ रहा है। कर्व यदि आगे बढ़ता तो कर्व में वो y x 40 होने पर वो नीचे जाता, लेकिन इसका मतलब बॉल पहले ग्राउंड पे टकरा चुका, तो डायरेक्ट गोल नहीं होगा। y सर जमीन में भीतर कैसे आप y देख लोगे? अरे इमेजिनेशन है, यदि कंटिन्यू करता पाथ तो जमीन पे पहले कहीं टकरा गई, इसीलिए x 40 पे y हमें निगेटिव दिख रहा है। तो रेंज कैलकुलेट करने का हमें, यदि रेंज पहले कैलकुलेट कर लेते तब भी दिख जाता, लेकिन रेंज यदि बड़ा रहता तो मुझे फिर वाई तो निकालने आना ही पड़ता। तो आप डायरेक्ट ये वाई कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हैं। तो मतलब वाई निगेटिव आने का मतलब हो गया, वाई लेस देन 0 का मतलब हो गया बॉल पहले कहीं ग्राउंड पे हिट कर चुका है, और इमेजिनरी पाथ वो जमीन के नीचे मीन्स गोल पोस्ट के नीचे है होता बॉल, यदि वहां ग्राउंड नहीं होता तो। जिनको ये समझ में आ गया हैंड राइज कर दें प्लीज।
वाई कोऑर्डिनेट, अरे एक्स वाई प्लेन में वाई पॉइंट वाई तुम्हें बताना होगा, तो वाई कितना नीचे या कितना ऊपर बताएगा ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई निगेटिव आया मतलब नीचे गया है। अर्नब पार्थ क्या एक बार और समझाऊं? ओके सर आगे समझ में। बहुत बढ़िया आदित्य, तुम्हें एक बार और समझाऊं? ओके अब ध्यान दीजिए, एक तरीका तो ये था जिससे हम पता करते हैं। एक एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ग्राउंड से यदि प्रोजेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो कितने एंगल पर प्रोजेक्ट करें कि रेंज मैक्सिमम आए, याद करो। तो आपको पता चलेगा आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और yes, इसको मैक्सिमम करना है तो साइन टू थीटा को वन करोगे, टू थीटा 90 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, और किन दो इससे यदि कम एंगल रहेगा और इससे यदि ज्यादा एंगल रहेगा तो उनमें क्या रिलेशन होता है कि ये सेम आ जाते हैं रेंज। तो उनके लिए याद करिए क्या था, एक थीटा और 90 माइनस थीटा। हाँ, एक यदि अल्फा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा हुआ करता था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये एक आइडिया था आपके पास। अब बताओ कि यदि आपसे ये कहा जाए कि ये है 15 मीटर हाइट का एक टावर और यहां से आप एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल ऊपर, और ये जो आप देख रहे हैं एस एक्स, ये जो आर देख रहे हैं एस एक्स, ये मैक्सिमम कितना होगा ये पता करना है, और उसके लिए थीटा कितना होगा ये पता करना है। तो क्या हम फिर से 45 डिग्री पे थ्रो कर दें? तो 45 तो था तब जब ग्राउंड से ग्राउंड, यहां पर हमें कोई एंगल नहीं पता, कैसे रेंज मैक्सिमम निकालेंगे वो टेक्निक अब समझिए आप। ये एग्जांपल इसमें वैल्यू दिया गया है, ये 20 मीटर पर सेकंड से मैंने थ्रो किया, और हम जानना चाहते हैं कि ये जो एस एक्स है वो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ कोऑर्डिनेट 0 0 हमने मान लिया, सॉल्व करने के लिए रास्ता कौन सा चुनेंगे हम? तो सॉल्व करने के लिए जो हमारा रास्ता है वो ध्यान से देखिए, हम तो ये जानते हैं कि y होता है tan थीटा x माइनस g by 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। यहां पर कोऑर्डिनेट चेक करो, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस एच कॉमा आर। सर ये कैसे आपने डिसाइड किया? या इसे देखो माइनस 15 कॉमा आर, या उल्टा मैं लिख रहा हूं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो आर कॉमा माइनस एच, आर कॉमा माइनस 15। चेक तो करो, वाई पॉजिटिव ऊपर है तो नीचे कोई लोगे तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, सिंपल लॉजिक। अब मुझे ये बताओ ये पॉइंट लाइक कर रहा है या नहीं आपके पैराबोलिक पाथ को? तो यदि लाइक कर रहा है तो ये ऊपर वाले इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। तो रिकॉल करो, आर माइनस 15 लाइज ऑन एबव पैराबोला, ये जो ऊपर पैराबोला का एक इक्वेशन है ये उस पे लाइक करता है, उसमें इसको पुट अप कर दो। बताओ वाई के बदले क्या लिखने वाले हैं? माइनस 15 टेन थीटा के बदले, अरे वही तो नहीं पता, एक्स के बदले आर, माइनस जी के बदले 10, यू स्क्वायर के बदले 400, 20 का स्क्वायर किया
कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर एक्स स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। सोचो हम लोगों को आर का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, थीटा भी नहीं पता और आर भी नहीं पता। एक काम करो, यहां माइनस 15 आर 10 थीटा माइनस एक जीरो यहां से गया आर स्क्वायर बाई 80 सेक स्क्वायर थीटा दिखने लगा आपको, माइनस 15 आर 10 थीटा माइनस आर स्क्वायर बाई 80 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिखने लगा आपको। यदि इसको कंटिन्यू करते हैं तो आगे चेक करिए, आर स्क्वायर बाई 80 10 स्क्वायर थीटा माइनस आर 10 थीटा प्लस आर स्क्वायर बाई 80 माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो। ये 10 थीटा का क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगा, 10 थीटा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए मैथमेटिक्स का खेल, फॉर रियल वैल्यू ऑफ 10 थीटा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4ac बी स्क्वायर, यहाँ कौन है बी आर, आर स्क्वायर माइनस आर था आर स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, ए कितना आर स्क्वायर बाई 80 और सी कितना आर स्क्वायर बाई 80 माइनस 15। अब ये आर स्क्वायर दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा और 4 20 जा 80, 20 लेफ्ट साइड में आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 80 माइनस 15। माइनस 15 को लेफ्ट साइड में ले आइए, 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 80। अब यहां से क्या दिखने लगा, 80 इंटू 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर स्क्वायर, अंडर रूट 80 इंटू 35 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर। अब बताओ आर हमेशा क्या होगा, अंडर रूट 80 इंटू 35 से छोटा आएगा, तो आर का मैक्सिमम वैल्यू मुझे चाहिए, तो आर का मैक्सिमम कितना हो गया, आर का मैक्सिमम हो गया अंडर रूट 80 इंटू 35 अंडर रूट, क्योंकि आर जो भी है इससे छोटा ही है या बराबर है, तो बराबर मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो गया, आर हो गया अंडर रूट 80 इंटू 35। आप में से कुछ बच्चों के मन में आएगा कि सर मैं मैक्सिमम मिनिमम अप्लाई करूंगा, तो वो गंदा रास्ता होगा, आप डिफरेंशिएट करके फंस जाओगे, और ये बेस्ट वे है कि क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट से खेल सकते हो आप, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल टेन थीटा मिलेगा, और रियल टेन थीटा कंडीशन तो मस्ट है, कोई तो रियल एंगल होगा ना जिसपे आप प्रोजेक्ट करेंगे, इमेजिनरी एंगल पे तो प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो रियल टेन थीटा के लिए ये कंडीशन आ गया कि आर स्क्वायर आर आर जो है लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट 80 इंटू 35। क्वाड्रेटिक के जो आप 10 थीटा वाला क्वाड्रेटिक बनाएंगे उसका ये बहुत प्यारा एक यूज है, जिसमें आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए। अब थीटा क्या करोगे, आपको पता है कि 10 थीटा का इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर 10 थीटा का वैल्यू कैसे लिखते थे, 10 थीटा लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया जीरो, क्योंकि मैं तुम्हें इक्वल्स टू ले लिया है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac लिया है, तभी तो r इक्वल्स टू ले लिया है अंडर रूट 18 टू 45। तो यदि ये जीरो हो गया तो इस मैक्सिमम के लिए जिसके लिए फॉर r मैक्स हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या ले लिया जीरो। अब ये जीरो में तो 10 थीटा आ गया माइनस बी बाई, और 10 थीटा माइनस बी बाई ए में देखो माइनस इंटू आर, बी के बदले देखो क्या आ रहा है, बी के बदले आ रहा है माइनस आर बाई 2 इंटू ए, ये कितना है आर स्क्वायर बाई 80,
तो यहां से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 40/r आ जाएगा, ये 40/r यहां से चेक कर लोगे, ये आ जाएगा 40/r, टेन थीटा का वैल्यू आ गया। वो एंगल जिस एंगल पे प्रोजेक्ट करने पर ये मैक्सिमम हमें मिलेगा वो आ गया 40/r। एक आर कैंसिल आउट कर दो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से, 2 और 80 को कैंसिल करो, 40 होगा, 40 न्यूमरेटर में आ गया है और नीचे का आर बचा है, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया था। तो हम लोगों ने वो थीटा भी पता कर लिया, 40/r, आर का वैल्यू रख देना अंडर रूट 80 × 35 और आर का मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे सामने है। जनरली आर का मैक्सिमम वैल्यू पूछता है और थीटा नहीं पूछता, थीटा लेकिन आप निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट अप करके, माइनस बी वाई, डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो होता है तो दो रूट्स तो होते नहीं, एक ही रूट होता है ना, माइनस बी वाई, बी भी पता है। बालक तुम्हारा जो इक्वेशन था डिस्क्रिमिनेंट ग्रेट ये आर मैक्सिमम के लिए, क्या इक्वेशन लिखा है तुमने, 20 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4ac, ठीक ना, वहां चेक करो लास्ट लाइन क्या लिखा तुमने, आर मैक्सिमम इक्वल्स टू, लेस देन तो नहीं ना लिखा है, इक्वल्स कब होगा, इक्वल्स होने पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। आर आ रहा है लेस देन अंडर रूट 80 × 45, तो थीटा तुम कोई भी लो, डी तुम कोई भी रख लो, लेकिन यदि तुम चाहते हो मैक्सिमम तो ये इक्वल्स तभी तो होगा इक्वल। अरे यार तुम्हें क्या समझाऊं, अगले पेज पे जाओ, डी इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4r² / 80 × r² / 80 - 15, यही है ना, चेक करो, आर स्क्वायर चला गया, ये 1 है, ये 420, ये 20, यहां पर इन प्लस 15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 80, 35 इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 35 नहीं आया अभी, कहाँ आया, वेट करो, अंडर रूट 80 × 35 ये आया आर, तो इक्वल्स टू का साइन कब आएगा, जब डी जीरो होगा, अदरवाइज वो लेस देन आता, तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आई बात समझ में पक्का, अरे बेवकूफ, टेन थीटा तुम्हें चाहिए रियल, तो रियल के लिए क्या केवल एक ही कंडीशन होगा, डी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, क्या हो सकता है रियल के लिए, और डी ग्रेटर देन जीरो, ये दोनों मिला करके क्या करते हो, डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, और पिछला पेज तो तुम देख ही नहीं रहे, आंखें बंद कर लेते हो, अगला जैसे आता है कि पिछला छोड़ देते हो, यहाँ चेक करो, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो लेके कहाँ पहुंचे हो लास्ट में, लेस देन और आ रहा है कि नहीं, लेस देन और इक्वल्स टू में तुमने लेस देन लेते तो क्या आता, डी ग्रेटर देन जीरो, और इक्वल्स टू लोगे मतलब क्या आया, डी जीरो, नहीं समझ में आ रहा है, अब भी नहीं समझ में आ रहा है, अरे दो कंडीशन है ना भाई, यहाँ दोनों है ना एक साथ, तो डी जीरो कब होगा, जब इक्वल्स टू ले रहे हो, डी इक्वल्स टू जीरो लोगे तो आर इक्वल्स टू ये आएगा अंडर रूट 80 × 35, लेस देन लोगे तो वो डी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो वाला रहेगा, आई बात समझ में, तो हमने हमें क्या चाहिए था, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या, हम कहें कि एक्स इज लेस देन 10, तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, नहीं, x is less than or equals to 10, तो 10 हो जाएगा, 9.99 होता यदि केवल less than होता तो, लेकिन यहाँ equals to यदि है तो equals to वाला हम ले रहे हैं, इसका मतलब वो discriminant zero किया होगा हमने, तब तो equals to ले रहे हैं, नहीं तो equals to लेंगे कैसे, नहीं समझ में आया, जिन जिन के समझ में आया hand raise करें please, आदित्य तो तुम्हारे हाथ उठाने में बड़ा कष्ट है अभी भी, हाँ कोई बात नहीं, होता है कंफ्यूजन, कहाँ कंफ्यूजन है ये बताओ, टेन थीटा के कितने वैल्यू आ सकते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, इनफाइनाइट, क्वाड्रेटिक के इनफाइनाइट वैल्यू से तो तुम्हारा मतलब नहीं है, तुम कैसा वैल्यू चाहते हो, इमेजिनरी या रियल, रियल के लिए क्या कंडीशन होता है, अब बोर्ड मत देखो, अपने कॉपी पे कैलकुलेट करो, तो मैं रुक गया।
मैं रुक गया हूं और कैलकुलेट करो। इस एग्जांपल में टावर 20 मीटर हाइट का है और हम लोगों को पता करना है मैक्सिमम रेंज, ग्राउंड पे कितने दूर टावर के बेस से बॉल जाके गिरेगा, वो मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। अरे तुम्हारा नहीं कुछ आया ना? अरे छोड़ो पेज, छोड़ो तुम जाओ अगले पेज पे, नया डायग्राम बनाओ और शुरू हो जाओ, यही कहानी। छोड़ दो मोरो, छोड़ो जल्दी से डायग्राम बनाओ, नया डायग्राम बोर्ड पे है, जल्दी बनाओ और जो तुम्हारे समझ में आए लिखना शुरू करो। सोचना मत सर ने क्या बताया, तुम क्या सोचना चाहते हो बोलो, नहीं तो सर तो फिर बनाएंगे। इस क्वेश्चन में एक पार्ट के लिए गेंद को एक बिल्डिंग की तरफ टावर की तरफ फेंका है, बहुत ऊंची टावर है 20 मीटर पर सेकंड से और बेस से 10 मीटर की दूरी पे है टावर से, तो टावर के मैक्सिमम कितने हाइट पे जाके बॉल टकराएगा ये देखना था। इसके लिए भी यही करेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 कर देंगे और उससे हमें वाई का लिमिटिंग वैल्यू पता चल जाएगा।